शिवराज सिंह प्रदेश के पैसे से जातिवाद फैला रहे हैं। सवर्ण समाज पार्टी स्टॉल लगाकर सक्रिय सदस्य बनाएगी। सवर्ण समाज पार्टी सभी 230 सीटों पर समान विचारधारा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, कहा पूर्व विधायक ने। सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया, मुख्यमंत्री जनता के पैसे से जातिवाद फैला रहे हैं। सवर्ण समाज पार्टी स्टॉल लगाकर 7 दिनों में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी। सवर्ण समाज पार्टी समान विचारधारा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सवर्ण समाज पार्टी की पहली लिस्ट 4 अक्टूबर को पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जारी की जाएगी। कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और इस मध्य प्रदेश के सूबे के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान सरकारी धन से, लोगों के गाढ़ी कमाई से इस प्रदेश को जातिवाद में झोंक रहे हैं और धन का दुरुपयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग के नाम पर, जात के नाम पर, यहाँ तक तो ठीक है कि किसी कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाओ, यहाँ तक तो समझ में आता है। कॉलेज के छात्रों को, जिसके प्रमाण मैं आपको अभी प्रस्तुत करूँगा, ये पत्र है मेरे पास, और कॉलेज के छात्रों को इन्वाइट किया है और उसमें कहा है कि केवल पिछड़ा वर्ग के लोग इसमें आवें और हम उनसे चर्चा करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश को और इस देश के राष्ट्रपति तक अपनी आवाज़ देना चाहता हूं कि जातिवाद का जन्म देकर शिक्षा में, जैसे संस्थान पर भी अब जातिवाद की, क्या अब शिवराज सिंह चौहान जी आप जात जात के मास्टर रखकर जात जात को पढ़ाई करवाओगे इस प्रदेश में? और कानूनी अपराध है ये, राष्ट्रद्रोह है आप जो कर रहे हैं। क्या करती थी, तिलक तराजू कलम तरवार, इनको मारो जूता चार। और लक्ष्मण तिवारी और सवर्ण समाज पार्टी कहती है कि हर वह संस्कारवान व्यक्ति जिसके मन में एकता, अखंडता और देश का भाईचारा हो, जो इस देश की अखंडता के लिए निर्विवाद रूप से भाईचारा स्थापित करता हो और मानवता का अधिकार उसके पास बना हो, वही सच्चा सवर्ण है। मऊगंज को जिला बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, और नहीं तो सवर्ण समाज पार्टी की जैसे सरकार बनेगी, पहली घोषणा मऊगंज को जिला बनाने की होगी, पहली कैबिनेट।